अपने ये वारिस वाले बयान पर किरण का पलटवार। जेपी को बताया छोटी सोच का आदमी, कहा कांग्रेस एक महिला विरोधी पार्टी है। बीजेपी नेत्री किरण चौधरी ने हिसार सांसद जेपी के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने बंसीलाल की विरासत को लेकर कहा था कि देश पुरुषों से चलता है, बेटे के बाद पोता वारिस होता है। जेपी के इस बयान पर किरण चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हैरानी है कि एक सांसद महिलाओं की तौहीन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेपी की बहुत घटिया और छोटी सोच है, वो अपनी ही पार्टी के नेताओं की तौहीन कर रहे हैं। क्या नेहरू की विरासत इंदिरा गांधी ने नहीं संभाली थी? किरण चौधरी ने कहा कि परिवार का वारिस केवल एक पुरुष हो सकता है, महिला नहीं। ये एकमात्र बयान नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस सांसद को याद दिलाते हुए कहा, क्या वो भूल गए कि इस देश को इंदिरा गांधी जैसी मजबूत नेतृत्वकर्ता मिली थी? ये भी याद नहीं कि सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाया? अब इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे संकल्पों से नारी शक्ति को मजबूती प्रदान की। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सांसद बताएंगे कि कैसे पंडित नेहरू के बाद कैसे इंदिरा गांधी उनकी विरासत की उत्तराधिकारी हो गईं, राजीव गांधी के बाद कैसे सोनिया जी उनकी विरासत की उत्तराधिकारी हो गईं। इस बयान से कांग्रेस पार्टी की मनोदशा का पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। आगे बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि इस तरह की प्रतिसत्तात्मक मानसिकता हमारे समाज की प्रगतिशील सोच और महिलाओं के संघर्ष का अनादर करती है। बहरहाल किरण ने जेपी के इस बयान की कड़ी निंदा की है और उन्होंने सभी से इस भेदभावपूर्ण सोच का विरोध करने और महिलाओं के सम्मान व अधिकारों के लिए खड़े होने की अपील की। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।